आज के इस वीडियो में हम 14 सितंबर के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली www.studyforjobs.in पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए एक बुक लॉन्च की गई है जो कि हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला तीन भाषाओं में है। तो अगर आप इस बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप दाएं तरफ जो यहाँ पे आई का बटन है उसको दबाकर भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को देख कर जो अप्लीकेशन फार्म है उसे भर देंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बता दें कि जो 13 सितंबर के लिए क्वेश्चन था वो था कि क्ष, त्र और अज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है, तो ये तीनों है संयुक्त व्यंजन। तो शुरू करते हैं 14 सितंबर का करंट अफेयर। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इसके अंतिम में भी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि एक स्टैटिक जीके का होगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस प्रकार की दवाओं पर पूर्णतया रोक लगा दी है, और आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इस तरह की दवाओं पर सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने 13 सितंबर 2018 को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया, तो ये किया है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन द्वारा लोकसभा की नीति शास्त्र समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, आपके चार ऑप्शन, लेकिन सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी को। अगला क्वेश्चन, कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जिन्हें भारत का 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो देखिए जो रंजन गोगोई हैं उनको 46वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये 3 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे, और इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये असम से हैं और इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की कैबिनेट ने हिंदू मंदिरों में बलि दिए जाने पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ये है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, कि बीते दिनों सरकार ने देश में 3 सी प्लेन अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी थी जिसने हाल में ही निम्न में से किस स्थान को रद्द कर दिया है, मतलब कि उन तीन में से एक को रद्द कर दिया है, तो ये है चिल्का झील। अब आपके लिए पहला सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील कौन से स्टेट में है, आपको स्टेट सिंपली कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, कि आप निम्नलिखित में से किस जगह पर दुग्धसेठ गणपति मंदिर पाएंगे, मतलब बताना है कि दुग्धसेठ गणपति मंदिर कहां पर है, तो ये है पुणे में। अगला क्वेश्चन, कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश की पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया, तो आपको बताना है जगह का नाम, और ये है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में सरकार क्षमता विकास योजना 2019-20 तक जारी रखने की घोषणा की है, साथ ही कितने अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पे अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी गई है 2250 करोड़ की। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा की इथिक्स किसको लोकसभा की इथिक्स समिति का अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है, तो अभी हमने बताया है यह है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन, कि किस राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से ई सिगरेट की निर्माण बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, तो यह किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खिड़की मस्जिद के संरक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में कापर के सिक्कों का एक संग्रह मिला है, यह मस्जिद कहां पर स्थित है, तो यह मस्जिद है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, कि किस पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो यह है सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन, कि किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित यूएन
ग्रेसी टास्क फोर्स यानी कि UNIATF पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये है मनोज झलानी। तो बस आज के लिए ये अंतिम क्वेश्चन था। अब आपके स्क्रीन पर आज का सवाल, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था, और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। आपको जो भी उत्तर सही लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। फाइनली स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।